नमस्कार दोस्तों, आज का ये प्लान 20 बाई 30 फीट के घर के लिए रेडी किया गया है। प्लान पूरा वास्तु के अनुरूप होने के कारण बहुत ही अच्छा होगा। वास्तु के अनुरूप अगर आप घर का निर्माण करते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है। प्लाट आपका 20 बाई 30 का है, यानी कि आपका टोटल 600 स्क्वायर फीट की जमीन है जिसके अंदर सुंदर सा आपको घर बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी घर का निर्माण करने से पहले उस घर की जमीन को और प्लाट को चेक किया जाता है कि आपका कोई कॉर्नर बढ़ा या कटा हुआ तो नहीं है, कोई कॉर्नर दबा हुआ तो नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, प्लाट आगे से आपका 20 फीट है, सेम प्लाट पीछे से भी 20 फीट की चौड़ाई है। प्लाट की लंबाई इस कॉर्नर से यहाँ तक 30 फीट है और इधर से भी 30 फीट है, यानी कि आपका प्लाट किसी भी तरह से कटा बढ़ा या दबा हुआ नहीं है, कोई वास्तु दोष नहीं है। प्लाट छोटा सा होने के कारण इसमें आपको एक अच्छा बेस्ट प्लान हम देने जा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर का ये प्लान रहेगा। अगर आप भविष्य में फर्स्ट फ्लोर भी बनाना चाहते हैं तो भी ये बहुत आपके अनुकूल रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि घर का निर्माण करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीजें होती है वो हम आपको बता देते हैं। प्लाट आपका 20 फीट की चौड़ाई है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए सड़क से अंदर जाने के लिए स्पेस रखा है। यहाँ पर आपका दरवाजा है। अगर आप अंदर पार्किंग रखना चाहते हैं तो आप बड़ा दरवाजा लगाइए। अगर आप पार्किंग नहीं रखना चाहते हैं तो आप सिंगल एक दरवाजा लगा सकता है, कोई भी साइज का बड़ा या छोटा दरवाजा लगा सकते हैं। उसके बाद में अंदर एंटर करते हैं तो 9 बाई 12 फीट का स्पेस रखा गया है आपके लिए, ताकि आप एक अनुकूल घर बना सकें। 9 बाई 12 की स्पेस में बड़ी कार पार्किंग तो नहीं हो सकती है, मगर आपकी बाइक, स्कूटी या छोटे साइज की कार पार्क हो सकती है। अगर आपकी आगे सड़क बड़ी है तो इसमें आप आराम से कार पार्क कर सकते हैं। अगर आगे सड़क आपकी संकरी है तो आप इसमें बाइक और स्कूटी ही पार्क कर सकते हैं। उसके बाद में इसके दो यूज हो सकते हैं, एक तो आप इसमें पार्किंग का स्पेस रख सकते हैं और एक इसमें आप बरामदा बना सकते हैं। बाहर बरामदा बैठने के लिए बहुत सुंदर लगता है। घर की महिलाएं बैठ के वर्क कर सकती है अपने घर का, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, सुबह सुबह चाय पानी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। उसके बाद में देखिए, बाहर की तरफ ही हमने 8 बाई 9 फीट में एक रूम दे दिया है, कमरा, जिसकी एक विंडो हमने आपके फ्रंट में आगे की तरफ खोली है, एक विंडो हमने पार्किंग की तरफ खोली है। तो 8 बाई 9 का आपके प्लाट के साइज के अकॉर्डिंग सुंदर सा छोटा सा कमरा बन जाएगा आपके। उसके बाद में घर के अंदर एंटर करते हैं, यहाँ पर आपका अंदर का मुख्य द्वार लग जाएगा। एंटर करते ही यहाँ पर आपके 9 बाई 12 फिट का स्पेस दिया गया है, 9 बाई 12 फिट का स्पेस दिया गया है, ताकि आप एक सुचारू रूप से होल आपके अंदर घर के अंदर व्यवस्थित हो सके, वास्तु के अकॉर्डिंग आपका ब्रह्म स्थान खुला रह सके। एक खिड़की हमने पार्किंग की तरफ दे दी है, एक खिड़की इधर के साइड एरिया में ओपन कर दी है। अगर आपके नॉर्थ में, इधर आपके उत्तर दिशा है, अगर आपके ओपन स्पेस नहीं है तो आप यहाँ पर खिड़की ना दें तो भी चलेगा, क्योंकि आपका जो पार्किंग के अंदर ये विंडो रहेगा इसमें इसका टोटल वेंटिलेशन हो जाएगा। तो इस प्लान के अंदर हमने यहाँ पर उत्तर दिशा में ओपन स्पेस दे रखा है, इसलिए यहाँ पर हमने एक विंडो दे दी है, तो अच्छा वेंटिलेशन होगा। उसके बाद में पूजा घर की बात आती है कि आप पूजा घर का निर्माण कहाँ करें। तो पूजा घर का दो ऑप्शन रहते हैं कि पूजा घर का निर्माण आप यहाँ पर कर सकते हैं, इस कॉर्नर में, यहाँ पर आपके आंगन में ओपन पूजा घर रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी पूजा घर का निर्माण ठीक सामने, आपके इस दरवाजे के ठीक सामने आप पूजा घर यहाँ पर अपना रख सकते हैं, ठीक है। मगर छोटा आपका प्लाट का साइज होने के कारण आपको ओपन पूजा घर रखना होगा, लकड़ी या मार्बल के पूजा घर आपको देने होंगे। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर आपका डोर लग रहा है, 9 बाई 9 का स्पेस में आपका एक रूम आ रहा है, जिसकी एक विंडो हमने आंगन में ओपन की, एक विंडो साइड में ओपन की है। अगर आप पूजा घर इस कॉर्नर में, ईशान कॉर्नर में देना चाहते हैं, एकदम कॉर्नर के अंदर, तो आप दरवाजे को, ये जो मेन आपका दरवाजा रहेगा, उस दरवाजे का दरवाजा आपको इधर साइड में ओपन करना होगा और यहाँ पर आपका पूजा घर भी बन जाएगा। तो ये आपका सेकेंड रूम हो गया। उसके बाद में आंगन से इधर एंटर करते हैं, 9 बाई 10 फीट का किचन रसोई घर दिया गया है, क्योंकि आपका पूरब और दक्षिण यानी ईस्ट साउथ का अग्नि कॉर्नर है। यहाँ पर गैस चूल्हा आपको देना है, यहाँ पर आपके बर्तन धोने के लिए आपका वाशबेसन यानी कि आपका सिंक वगैरह सेट हो जाएगा, तो काफी स्पेस में रहेगा। एक विंडो आपकी दक्षिण साउथ साइड में जो ओपन स्पेस में उसमें खुल जाएगी, तो इसका वेंटिलेशन हो जाएगा। वैसे आजकल चिमनी का ट्रेंड है तो आप चिमनी भी इसमें लगा सकते हैं, तो वेंटिलेशन उससे भी अच्छा रहेगा। तो पूरब दिशा में आपकी अदर प्रॉपर्टी, तो कोई विंडो इधर नहीं रहेगा। यहाँ पर हमने आयरन का जो सीढ़ियाँ होती है वो दी है, क्योंकि अपना स्पेस कम है, 8 बाई 5.5 फीट का स्पेस है, तो इसके अंदर आप लोहे की सीढ़ी लगा सकते हैं सुंदर सी आजकल, तो यहाँ पर आयरन की सीढ़ी लग जाएगी, तो जिससे अच्छी तरह से आपका स्पेस यूज हो जाएगा और छत पर जाने के लिए आयरन की या वुड की सीढ़ी सुंदर भी बहुत लगती है। तो इस साइड में आप सीढ़ी के नीचे के स्पेस में जो 5.5 फीट का स्पेस है, इसमें एक हमने विंडो दी है इस साइड में, ताकि आंगन में अच्छा रोशनी और वेंटिलेशन रहे। फिर आपका 4 बाई 8 फीट में लेटरिन बाथरूम दिया गया है, जिसका वेंटिलेशन पीछे प्रोवाइड करवाया गया है।
यहाँ पर आपका वास्तु के अकॉर्डिंग पॉट लगाया गया है, यानी कि आपकी जो लेटिंग की सीट है वो यहाँ पर लगाई गई है, टॉयलेट सीट, और यहाँ पर आपका नहाने का स्पेस हो सकता है। आप चाहें तो बीच में आप पर्दा दोनों के बीच में दे सकते हैं, या कोई वुड का या ग्लास का आप इसमें पार्टीशन भी रख सकते हैं। तो बहुत सुंदर सा 20x30 में प्लान आपके लिए रेडी किया गया है। कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। वास्तु अनुरूप अगर आप पर्सनल नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो बना हुआ देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ही बताएं। धन्यवाद।